कई दिनों से मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि प्रतीक भाई हॉरर गेम्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, और मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यार एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों की जो ख्वाहिश है ना हॉरर गेम्स की, एक ही सिंगल वीडियो से खत्म हो जाएगी। और ये लीजिए, आज वो वीडियो आ गई है। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल, और आज मैं आप लोगों को एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बल्कि पूरे 15 नए हॉरर गेम्स के बारे में बताऊंगा। वो सभी गेम्स डरावने होंगे, स्केरी होंगे। कुछ गेम्स के अंदर अच्छी स्टोरी होगी, कुछ गेम्स के अंदर पजल होने वाला है, कुछ गेम्स के अंदर सर्वाइवल का खतरा होगा। लेकिन एक बात होता है, सभी के सभी गेम्स की ग्राफिक्स अच्छी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कर दीजिएगा लाइक, और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर मेरे भाई, इस समा की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट, एंड बात करते हैं फर्स्ट गेम की जो निकल करके आएगा, मिसगाइडेड नेवर बैक होम। यहाँ पर आप लोगों को कहानी देखने के लिए मिलेगी एक ऑर्डिनरी स्कूल गर्ल सिल्विया की, जो कि अचानक एक दिन सुबह उठने के बाद में अपने आप को कैद पाती है एक मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर। इस गेम का साइज है 800 MB और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। अब सिल्विया के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो उससे अपनी दोस्त को बचाना है और खुद को भी यहाँ से बाहर निकालना है। एक ऑर्डिनरी स्कूल गर्ल होने के बावजूद कैसे वो सामना करती है इन भयानक राक्षसों का, वो आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। गेम की ग्राफिक्स है वो आप लोगों को बहुत ही कमाल की देखने के लिए मिलेंगी। और इसी के साथ में चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड गेम की, जो कि है स्केरी लैंड प्रीमियम। अरे बाप रे, अब यार इस गेम के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बताने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसके विपरीत बताने के लिए काफी कुछ है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कहानी दिखाई गई है एक ऐसे बच्चे की जिसको अपने पिता को, अपने परिवार को बचाना होगा। जी हाँ, कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स उसके घर को तबाह कर देते हैं और उसके परिवार को किडनैप करके ले जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ गेम के साइज की, तो वो है 157 MB और गेम ऑफलाइन है। और यहाँ पर आप ही अकेले बसते हैं जिसको सब कुछ संभालना होगा। डिफरेंट पजल्स को आप लोगों को सॉल्व करना होगा, मिस्टीरियस लोकेशंस को एक्सप्लोर करना होगा, और शानदार कटसीन्स यानी कि एक एक्साइटिंग स्टोरी लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ में चलिए बात करते हैं थर्ड गेम की, जो की है अर्बन लेजेंड्स। पुराने ही गेम की तरह इस गेम की ग्राफिक्स भी आप लोगों को बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेंगी। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस गेम को एक इंडिविजुअल डेवलपर ने बनाया है, उसके बावजूद भी काफी शानदार और डरावना डार्क हॉरर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगा। जहाँ पर मेडिवल एरा की काठमांडू वैली दिखाई गई है, जिसमें अर्बन नक्सल्स का हमला हो चुका है। और अगर बात करें गेम के साइज की, तो वो है 300 MB और ये गेम ही ऑफलाइन है। और इसी के साथ में जो फोर्थ गेम है उसका नाम है डेडली नाइटमेयर। यार जिस गेम का नाम ही ऐसा हो कि डरावना सपना, तो सोचिए जरा कितना डरावना हॉरिफिक एक्सपीरियंस ये गेम आपको प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पर आपको कहानी देखने के लिए मिलेगी एक ऐसे बच्चे की जो कि अपने खुद के घर में ही कैद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अचानक एक दिन उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है, और उससे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ शैतानी ताकतों की वजह से हुई थी, यानी कि उसके घर में काला साया है। जस्ट किडिंग, यहाँ पर आप लोगों को गोस्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जिनसे आप लोगों को बच करके रहना होगा और सर्वाइव करना होगा। गेम का साइज है 400 MB, गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ में चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम की तरफ, जो की है एंडलेस नाइटमेयर। पुराने गेम का नाम था डेडली नाइटमेयर, और इस गेम का नाम है एंडलेस नाइटमेयर, कभी ना खत्म होने वाला डरावना सपना। गेम का साइज है 374 MB और गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। वैसे तो गेम का पूरा नाम है एंडलेस नाइटमेयर फॉरबिडन जोन, और इसका पूरा नाम बताना जरूरी इसीलिए है क्योंकि एंडलेस नाइटमेयर अपने आप में एक बहुत बड़ी सीरीज है। इसके ऑलरेडी दो गेम आ चुके हैं और अब ये थर्ड गेम है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज का कोई भी गेम नहीं खेला है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस सीरीज को ट्राई करें। काफी डरावनी और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी वाली सीरीज है। जैसे कि पुराने गेम्स के अंदर आप लोगों को जैक की कहानी दिखाई जाती है उस बिजार हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन इस गेम के अंदर आप लोगों को उसके बेस्ट फ्रेंड की कहानी दिखाई जाएगी। और वो कहानी क्या है, अगर मैं वो आप लोग एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो फिर किसी दिन बताऊंगा इन डिटेल। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिक्स्थ गेम की, जो की है पॉपी प्ले टाइम। जी हाँ, ऑफिशियली पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 1 एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए आ चुका है, जिसका साइज है 600 MB, गेम ऑफलाइन है। अगर आप लोगों को नहीं पता, पॉपी प्ले टाइम एक काफी पॉपुलर हॉरर गेम है जिसको पहले सिर्फ और सिर्फ पीसी एंड कॉन्सोल्स पर ही खेला जा सकता था, लेकिन अब एंड्रॉइड पर खेल पाना भी संभव है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है एक हॉन्टेड टॉय फैक्ट्री की, जिसके अंदर ही आप लोगों को पॉपी देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा ये तो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करेगा। एक काफी मजेदार, डरावना और एडवेंचरस पजल गेम है, क्योंकि इस गेम की जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करने में मजा आता है और दिमाग का भी पूरा यूज होता है। और पता है किस गेम में दिमाग का यूज होता है, हमारे नेक्स्ट गेम में। जी हाँ, हमारा सेवंथ गेम, जिसका नाम है नो रेस्ट हॉरर गेम। इस गेम का साइज है 162 MB और गेम ऑफलाइन है। यहाँ पर कहानी का मेन कैरेक्टर है डेविड, और अचानक से वो एक ऐसे गाँव के आसपास पहुँच जाता है मीटिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और रानी कालो से और कथाएं चलती आ रही थी कि इस गाँव में चुड़ैल का साया है। मजाक से हटके एक्चुअली में उस गाँव में आप लोगों को भूत वगैरह देखने के लिए
मिल जाएंगे। गेम की स्टोरी काफी सिंपल है लेकिन एंटरटेनिंग है। यहाँ पर आपको पजल सॉल्व करनी होगी, उस गांव से जैसे तैसे बच करके निकलना होगा और अच्छी ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। गेम डेवलपर्स ने तो खास तौर पर से बोल दिया है कि गेम को हेडफोन पहन करके ही खेलना, और पता है हेडफोन कौन नहीं पहन सकता? पाइप हेड। यानी कि हमारा 8th गेम पाइप हेड स्टोरी, जिसका साइज है 154 MB और गेम ऑफलाइन है। इस गेम के अंदर आप लोगों को पाइप हेड की ओरिजिन स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि एक्चुअली में माजरा क्या है। उस हंग्री मॉन्स्टर का सामना करने के लिए मिलेगा, विजुअल्स काफी अच्छे हैं और डरावना माहौल मिल जाएगा खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और अगर बात करो 9th गेम की तो वो है फोरसेकन हॉस्पिटल। यारो हॉस्पिटल्स में जाना वैसे ही इतना डरावना होता है, कोई अपनी दुख परेशानी या तो कोई अपनी बीमारियां लेकर के जाता है, लेकिन आजकल इन गेम डेवलपर्स ने उसे और भी डरावना बना दिया है। उन मरे हुए पेशेंट्स की आत्मा उन हॉस्पिटल में हमेशा भटकती रहती है और आप अचानक एक दिन ऐसे हॉस्पिटल में फंस जाते हैं तो सोचिए वहाँ से निकलना कितना मुश्किल होगा। बस यही आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका साइज है 248 MB और ये गेम भी ऑफलाइन है। मैं फिर आ गया, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बात करें अगर लास्ट गेम की, यानी कि 10th नंबर का गेम इनटू द कोचिंग क्लासेस। घबराइएगा मत दोस्तों, अगर ये कोई आम वीडियो होती तो 10th गेम पर ही खत्म हो गई होती, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 एक्स्ट्रा गेम भी बताऊंगा। अगर बात करें इनटू द कोचिंग क्लासेस की तो एक हॉस्पिटल के बाद जो जगह बिल्कुल भी डरावनी नहीं होनी चाहिए थी वो थी बच्चों के पढ़ने की कोचिंग क्लासेस, लेकिन अब वहाँ पर भी भूतों का साया मंडरा रहा है। अब यार वैसे तो बच्चे पढ़ने से हमेशा डरते हैं और कोई ना कोई आए दिन बहाना बनाते हैं वहाँ से बच करके निकलने का, लेकिन अगर अब आपके बच्चे असलियत में ऐसे कोई बहाना बनाए तो एक बार पता जरूर कर लेना कि कहीं वो कोचिंग क्लासेस हॉरिफिक तो नहीं है। खैर मजाक से हटके दोस्तों चलिए बढ़ना चाहिए आगे। बात करी जाए 11th गेम की, जो की है इनटू द डेड 2 अनलीश्ड। क्या आपको पता है ये गेम कौन लेकर के आ रहा है हमारे स्मार्टफोन डिवाइसेस के लिए? नेटफ्लिक्स। जी हाँ दोस्तों, वही नेटफ्लिक्स जिसपे हम लोग मूवीज एंड वेब सीरीज देखा करते थे, लेकिन अब वक्त ये आ चुका है कि नेटफ्लिक्स गेम्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है और बहुत ही जल्द वो अपने डिफरेंट गेम्स लाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग प्ले कर सकते हैं इनटू द डेड 2 अनलीश्ड, जो कि एक काफी कमाल का ज़ॉम्बी शूटिंग सर्वाइवल हॉरर गेम है। इस गेम का साइज है 584 MB और ये गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को काफी शानदार स्टोरी लाइन और बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप लोगों के लिए ये भी काफी नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 12th गेम की, जो की है एंग्री ग्रैनी 4। अब दोस्तों घुसित बुढ़िया से ज्यादा डरावना और क्या ही हो सकता है, और जब उसके ऊपर भूत का साया आ जाए फिर तो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बस यही आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को टोटल 5 दिन का टाइम मिलता है उस घुसट बुढ़िया के घर से निकलने का। आसपास के सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए और जो भी जरूरी सामान मिले उसकी मदद से बचने की कोशिश कीजिए या फिर वहाँ से भाग जाइए। इस गेम का साइज है 133 MB और ये गेम भी ऑफलाइन है। चलिए फिर इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 13th गेम की, जो की है डायग्नोसिस मल्टीट्यूड। यार वैसे तो 13 नंबर को काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है, लेकिन हमारा जो ये 13th गेम है ना ये काफी मजेदार है। इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 40 MB और गेम ऑफलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राफिक्स काफी अच्छी है। यहाँ पर फॉक्स किंडरगार्टन की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, लेकिन अचानक से कोई आदमी आ जाता है और फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद में क्या होने वाला है, कहानी किस ओर अपना मुंह मोड़ेगी, ये सब आपको गेम के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइफ्स मिल जाती है, शानदार एनवायरनमेंट मिलता है, आसपास की सराउंडिंग से जरूरी सामान लाने होंगे, सर्वाइव करना होगा, एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिल जाएगी और शानदार साउंडट्रैक मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट गेम की तो वो है सिलेरियोसिस अ हॉरर गेम। यार इस गेम का तो काफी लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था, क्योंकि ये आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला है एमनीशिया की शानदार स्टोरी लाइन अपने मोबाइल डिवाइसेस पर। जी हाँ, वही पुराना गेम जिसको हम लोग पीसी एंड कंसोल्स पर एंजॉय करा करते थे, एक अच्छी स्टोरी डरावना हॉरिफिक एक्सपीरियंस आप लोगों को मोबाइल पर भी देखने के लिए मिलेगा। इस गेम का साइज है 781 MB और ये गेम ऑफलाइन है। और चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बात करते हैं हमारी वीडियो के लास्ट गेम की, जो की है बंकर स्केरी टेल्स 2। अब भाई गेम के नाम से ही समझ जाओ, 128 MB का गेम जो की पूरे तरीके से ऑनलाइन है। यहाँ पर आप लोग अपने आप को एक बंकर के अंदर कैद पाते हैं। आप लोगों का सामना होगा खतरनाक क्रीचर्स से और मॉन्स्टर्स से, जिनसे पंगा लेने के लिए आप लोगों को वेपन्स भी दिखाई देंगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको गन्स मिल जाती हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप सभी को मार गिराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में इस बंकर से बाहर निकलने की। सो मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रिसर्च करी और जो पूरी लिस्ट बनाई इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना फुल सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते रहिए प्रोटेक्ट, मिलूंगा एक और नई वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।